एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं जिस पे अपन लोग एक्टिविटी नंबर 15.8 को कवर करेंगे। तो बिना वेट ना किए हुए शुरू करते हैं। रिपीट एक्टिविटी 15.7। आपको एक्टिविटी 15.7 को रिपीट तो नहीं करनी है, लेकिन कुछ जो चीज़ें आपने सुनी होगी, समझी होगी, उसको थोड़ा सा समझना है। नाउ वे था कॉनकेव्स मिरर इन प्लेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। यदि क्या होगा यदि हम कॉनकेव मिरर के जगह पे हम कॉनवेक्स मिरर रख दें तब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर सेम 15.1 में ही टेबल नंबर में आपको इसका रिकॉर्ड रखना है कि क्या होगा जब कॉनकेव मिरर की जगह पर अपन लोग कॉनवेक्स मिरर रख दें तब। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनवेक्स। कॉनवेक्स में क्या कोई ऐसा रियल इमेज आपको मिल सकता है कि चाहे आप जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है इमेज से, वह कहीं भी रखिए, आप मिलेगा कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये देखिए, जैसे कि हम कॉनवेक्स में कॉनवेक्स मिरर किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये साइड मिरर के तौर पर यूज़ की जाती है जो कि गाड़ियों में लगाई जाती है, तो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। ओके, मिरर। डिड यू गेट इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। क्या अब आपको देखना क्या बोला गया है कि जो हमने 15.7 में एक्टिविटी किया था उसकी जगह पर, कॉनकेव की जगह पर आपको कॉनवेक्स लेनी है। अब आप उसके बाद बताइए कि ऐसा हो रहा है क्या कि आपको इमेज मिल पा रहा हो छोटी से बड़ी साइज में, जैसे कि ऑब्जेक्ट के साइज उससे। कैन यू नाउ रिकोगनाइज द मिरर। आप पहचान सकते हैं क्या है? अब यूज द साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियाँ होती हैं, सारे गाड़ियों में साइड मिरर यूज़ की जाती है, भाई कौन सा मिरर है? दीज आर आ कॉनवेक्स मिरर। आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि ये क्या है बेटा, कॉनवेक्स मिरर है। कॉनवेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्लिट ओवर लार्ज एरिया। क्या करता है जो कॉनवेक्स मिरर होती हैं, वह इमेज बनाती हैं ऑब्जेक्ट का बहुत अलग अलग, और लार्ज एरिया का ऑब्जेक्ट बनाती हैं अपने ऊपर। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ड्राइवर को यह दिख पाए कि पीछे का जो ट्रैफिक है वह कैसा है। ओके, चलिए। इमेज फॉर्म बाय या लेंसेस। अब अपन लोग देख लेते हैं कि जो इमेज है वह लेंसेस के द्वारा कैसे फॉर्म होते हैं। यू माइट हैव सीन अस मैग्नीफाई ग्लास। क्या आप कभी मैग्नीफाई ग्लासेस देखे हैं? इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। अब ये जो है हमेशा बहुत छोटे प्रिंटों को पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है। यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट इज़ ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। और साथ में इसका यूज जो है किसके लिए की जाती है बेटा, ऑब्जर्व करने के लिए की जाती है बॉडी पार्ट्स किसके, कॉकरोच को और अर्थवॉर्म के। द मैग्नीफाई ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द लेंस। और जो मैग्नीफाई ग्लास है वह भी एक तरीके का क्या है, टाइप ऑफ लेंस है। लेंस आर वाइडली यूज इन द स्पेक्टिकल्स। और जो लेंसेज हैं वह ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं किसमें, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ द लेंस टू एयर लिस्ट। और इस लिस्ट में आपको कुछ और यूजेस आपके लेंसेज को बतानी है कि किसमें यूज़ किए जाते हैं। गेट सम लेंसेज टच एंड फील देम। आपको कुछ लेंसेज लेनी हैं और उसको टच करना है और फील करना है। कैन यू फाइंड सम डिस्टेंस डिफरेंस जस्ट बाई टचिंग। क्या टच के से ही आप कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले दोनों में? कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल एंड देन एट द एज आर कॉनवेक्स लेंस। क्या बोला गया है कि कुछ लेंसेज ऐसे होंगे जो कि मिडल में क्या होंगे, थिकर होंगे, मोटे होंगे, और एजेस में क्या होंगे बेटा, पतले होंगे, थिनर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो मिडल में थिनर हों और एजेस में थिक हों। तो क्या है ये, ये है मैग्नीफाई ग्लासेस, बहुत स्मॉल प्रिंटेड पढ़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोज विच फील थिनर इन द मिडल दैट इज़ द एजेस आर कॉनकेव लेंस। जैसे कि यहाँ पर लोग यहाँ पढ़ लिए हैं कि एक ऐसा लेंस जो कि बीच में क्या होता है बेटा, मिडल पार्ट जो है थिकर होता है यानी कि मोटा होता है, और लास्ट वाले पार्ट जो है थिन होते हैं। तो ऐसे लेंसेज को अपन लोग कॉनवेक्स लेंस बोलते हैं, और जो बीच में थिनर होता है और एजेस में क्या होते हैं मोटे होते हैं उसको अपन लोग थिकर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। Notice that the lens are the transparent and light can pass through them. और आपको इस चीज़ को notice करना है और ये समझना है कि जो lenses होते हैं वह transparent होते हैं और अपने ऊपर से light को जाने देते हैं। तो दोनों light lenses के बारे में ये दिखाया गया है, जिसमें figure number 15.22, जिसमें एज है convex lens, जिसके बीच में मोटा वाला हिस्सा लगा हुआ है और edges पे पतले हैं, thinner हैं। लेकिन दूसरा जो बी है इसमें देखिए कि बीच वाला हिस्सा यानी कि मिडिल वाला हिस्सा थिन है और edges वाले हिस्से मोटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं।
इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एज एट द सन और अ ब्राइट लाइट। और ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि आप जो है इन लेंसों की मदद से सन को देखें या फिर ब्राइट लाइट को देखें। यू शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट बी फोकस सन लाइट विद द कॉन्वेक्स लेंस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी नंबर 15.9 को। तो सब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.